बधिरों के लिए समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह, हमारे साथ हैं रजनी जी। करते हैं खबरों की शुरुआत। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान जारी है। आम चुनाव के लिए दूसरे दौर के मतदान में केरल की सभी 20, कर्नाटक की 28 में से 14, राजस्थान की 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने सभी लोगों से वोट डालने की अपील की है। कड़ी सुरक्षा के बीच लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त चौकसी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ कर दिया कि मतदान ईवीएम से ही होगा। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। इसके साथ ही बंगाल के राज्यपाल ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान पीएम ने एक रैली को भी संबोधित किया। रैली में पीएम ने टीएमसी पर घुसपैठियों को बसाने का आरोप लगाया। साथ ही पीएम ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है और कहा कि सीएए नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है, लेकिन विपक्ष इसे रद्द करने की बात करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर फिर से कांग्रेस को घेरा। शाह ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद लोगों का बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ा है। इसके साथ ही शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और देश को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को खंड-खंड करना चाहते हैं। धर्म के आधार पर देश के कानून नहीं बन सकते। दिल्ली नगर निगम सदन के भीतर आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पार्षदों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। बीजेपी की मांग है कि हाउस टैक्स में बढ़ोतरी के फैसले को वापस लिया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए उसे दलित विरोधी बताया है। दिल्ली में मेयर चुनाव स्थगित होने के बाद आज दिल्ली नगर निगम की बैठक रखी गई थी, लेकिन उससे पहले ही हंगामा शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर सीबीआई एक्शन मोड में है। पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की। इन छापों में बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए। इससे पहले संदेशखाली मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने ईमेल के जरिए शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया था और एफआईआर में 5 लोग नामजद हैं जबकि बाकी लोग अज्ञात हैं। बधिरों के लिए समाचार में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए शोभना यादव के साथ 24 का राजपथ।